नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आलू के निकासी सभी कोल्ड स्टोर में कितना कितना आलू का निकासी हो गया। किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों कमेंट काफ़ी ज़्यादा करते कि भाई ये बताओ कि आलू का निकासी कहाँ पे कितना हो चुका है, ताकि हमें भी पता चल सके कि कितना ज़्यादा आलू का निकासी हो गया है या कितना कम आलू का निकासी हो गया है। तो किसान भाइयों, आज का प्रॉपर वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आलू का निकासी कितना हो गया है। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे आलू की निकासी के, कहाँ पर कितना परसेंट का आलू निकासी हो गया है और कहाँ पे कौन सी कोल्ड स्टोर में कितना परसेंट आलू अभी बचा हुआ है और कौन सी कोल्ड स्टोर में सबसे ज्यादा आलू का निकासी हो गई है। तो सारा जानकारी देंगे इस वीडियो में किसान भाई, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी कोल्ड स्टोर का निकासी आपको पता चल सके। किसान भाइयों, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसान भाई वेस्ट बंगाल से। अगर वेस्ट बंगाल में अगर ऑल ओवर द स्टेट का अगर आंकड़ा निकाला जाए किसान भाइयों, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा आलू का निकासी हो गया है। किसान भाइयों, वेस्ट बंगाल में 75 से 80% आलू का निकासी कर लिया गया है। किसान भाइयों, ऑल ओवर द कोल्ड स्टोर का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो किसान भाइयों, और पार्ट बाई पार्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाला जाए किसान भाइयों, तो कहीं पे थोड़ा कम और कहीं पे थोड़ा बेसी। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आप कहिएगा कमेंट करके, तो हम उस पर भी बनाएंगे, लेकिन वो वीडियो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि सभी स्टेट के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम लेने किसान भी बहुत ही लंबा वीडियो होगा। तो अगर आप चाहें और तो हमें कमेंट करके बताइए, हम सभी डिस्ट्रिक्ट का सभी कोल्ड स्टोर का जो सभी कोल्ड स्टोर का हम बनाकर आपको एक वीडियो दे सकते हैं किसान भाई। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। अब बात करें किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश जहां आलू का गढ़ माना जाता है, वहां के कोल्ड स्टोर की बात करें किसान भाइयों, कितना आलू का निकासी कर ली गई है। तो फरुखाबाद की बात करें किसान भाइयों, तो 66 से 68% आलू का निकासी फरुखाबाद में कर लिया गया है, जो कि फरुखाबाद समझ सकते हैं कितना अच्छा आलू के लिए एरिया माना जाता है। तो फरुखाबाद में 66 से 68% आलू का निकासी कर ली गई है किसान भाइयों। अब जो बाकी रह गया वो मात्र 34% आलू फरुखाबाद में बाकी है। अब बात करें किसान भाइयों आगरा का, किसान भाइयों तो आगरा में बात करें तो आगरा में भी वही है, उसी आसपास 66 से 70% आलू का निकासी आगरा में भी कर ली गई है। और बाकी का बात करें किसान भाइयों, तो 30 से 34% आलू आगरा में भी बाकी है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आलू का निकासी इसी तरीके से, और हम बात कर लेंगे किसान भाइयों और भी सारा कोल्ड स्टोर का। तो किसान भाइयों ये बता दें कि अलीगढ़ कोल्ड स्टोर में भी इसी प्रकार से 70 से 72% आलू का निकासी कर लिया गया है किसान भाइयों, अलीगढ़ में किसान भाइयों। और बता दें किसान भाइयों कि अलीगढ़ में इससे पहले भी आलू की बुआई हुई थी, जो 17-18 अक्टूबर की बारिश आई उससे पहले बुआई हुई थी, जिसमें बारिश में ख़राब भी हो गया था अलीगढ़ का आलू। तो अलीगढ़ के कोल्ड स्टोर में भी यही निकासी का रिपोर्ट है किसान भाइयों। और बात कर लेंगे किसान भाइयों और भी कई सारा जगहों पे, अगर हम बात कर लेते हैं कन्नौज में किसान भाइयों आलू का निकासी, तो किसान भाइयों कन्नौज में आलू का निकासी का भी रिपोर्ट नहीं आया है। जब आएगा तो मैं कमेंट में उस रिपोर्ट को आपको जितना परसेंट हुआ है उसको हम पिन कर देंगे, ताकि आप कमेंट के जरिए देख सकेंगे। और किसान भाइयों यही जो कोल्ड स्टोर का निकासी है काफ़ी मायने रखता है किसानों का जानना, क्योंकि कोल्ड स्टोर का निकासी से ही उनको पता चल सकेगा कि अभी कितना परसेंट आलू है या कितना परसेंट आलू का निकासी कर लिया गया है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हमारा मकसद है यही किसानों तक जो भी इन्फॉर्मेशन हो सभी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना। तो किसान भाइयों ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाना, कोल्ड स्टोर का निकासी का रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था किसान भाइयों। अब हम बात कर लेंगे किसान भाई मदुरई का, तो मदुरई में भी किसान भाई 66 से 68% आलू का निकासी कर लिया गया है। और मदुरई के बाद हम बात करेंगे किसान भाई मुजफ्फरपुर बिहार का, तो मुजफ्फरपुर बिहार में 55 से 56% और 50% के आसपास आलू का निकासी मुजफ्फरपुर बिहार में कर लिया गया है। तो ये रहा आलू निकासी का रिपोर्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी कोल्ड स्टोर बाकी रह गया उसे अगले वीडियो में लाएंगे, ताकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा तो शॉर्ट वीडियो करके आपको देंगे किसान भाई। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और भी किसान भाई के साथ शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।